अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 दिनों का विशेष अनुष्ठान कर रहे हैं। पीएम मोदी इस दौरान एक सख्त दिनचर्या का पालन कर रहे हैं। मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी जमीन पर सो रहे हैं और सिर्फ नारियल पानी पी रहे हैं। पीएम मोदी ने 12 जनवरी को ही बताया था कि वे राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए विशेष अनुष्ठान कर रहे हैं। राम मंदिर उद्घाटन की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। प्रधानमंत्री के एक प्रवक्ता ने इस बात की पुष्टि की। नारियल पानी उस सात्विक खान पान का हिस्सा है जिसे प्राण प्रतिष्ठा से पहले करना जरूरी होता है। सुबह जल्दी उठाने और सात्विक डाइट को लेने के अलावा पीएम मोदी इन दिनों पश्चिम और दक्षिण भारत के मंदिरों का दौरा भी कर रहे हैं। पीएम मोदी नासिक में पंचवटी में गए जहाँ वनवास के दौरान भगवान राम ने कुछ वक्त बिताया। मोदी ने केरल के गुरुवियोर मंदिर और आंध्र प्रदेश के वीरभद्र मंदिर का भी दौरा किया। पीएम मोदी इस वीकेंड पर तमिलनाडु के भी कई मंदिरों का दौरा करने वाले हैं। शनिवार को जब पीएम तिरुचिरापल्ली में रंगनाथ स्वामी मंदिर जाएंगे तो वह कम्बा रामायण के छंदों का पाठ करते हुए विभिन्न विद्वानों को सुनने में समय बिताएंगे। फिर वह रामेश्वरम जाएंगे जहां वह संस्कृत, अवधि, कश्मीरी, गुरुमुखी, असमिया, बंगाली, मैथिली और गुजराती में रामायण सुनने वाले दर्शकों का हिस्सा होंगे। रामेश्वरम में सुनाई जाने वाली रामायण में राम की अयोध्या वापसी पर फोकस होगा। शनिवार शाम को ही पीएम मोदी श्री अरुलमिगो रामनाथ स्वामी मंदिर में भजन या भक्ति गीत सुनेंगे। अगले दिन यानी रविवार को पीएम मोदी सबसे पहले धनुषकोडी में कोठंडा राम स्वामी मंदिर जाएंगे और फिर अरिचल मुनाई जाएगी, जिसके बारे में कहा जाता है कि यही वह जगह है जहां राम सेतु का निर्माण हुआ था। वहीं बीजेपी ने अपने सभी सदस्यों और पदाधिकारियों को 22 जनवरी के राम मंदिर समारोह के साथ विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने के लिए कहा है। सभी पदाधिकारियों को लिखी चिट्ठी में महासचिव अरुण सिंह ने सभी कार्यकर्ताओं को इस अवसर पर सफाई अभियान चलाने और इस दिन को दिवाली की तरह मनाने का निर्देश दिया है। केंद्र सरकार ने भी अपने अंतर्गत आने वाले सभी दफ्तरों में हाफ डे का ऐलान किया है।